चलो मैं भी रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू है, ये 1 मार्क्स का था। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है मुझे, ये नहीं है कि कुछ भी आप गलत पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए निमर्कल लगाइए। क्या है एक ए फ्लूड, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। ए फ्लूड इज सेड, इस फोन ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। टू बी न्यूटोनियम, न्यूटोनियम फ्लूड का क्या है, क्या फॉलो करता है? स्पीकर ऑन करिए आप लोग अपना। सीयर स्ट्रेस इज, पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है ये इनवर्सली, सब ये पूरा सब कुछ वही रहेगा। मैं इसको लिख दे रहा हूं, तीसरा ये इंडिपेंडेंट, समझ जाइएगा। और चौथा है नॉन ऑफ दीज। चलिए बताइए कौन सा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो न्यूटोनियम फ्लूड क्या फॉलो करता है, रियल फ्लूड? सुनिए, न्यूटोनियम फ्लूड ए रियल फ्लूड विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियम फ्लूड। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर उसी को तो न्यूटोनियम फ्लूड कहते हैं रियल के लिए। तो आप जानते हो, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसको। ये टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक ग्रेडियंट। बोलिए, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोफिशियंट ऐड करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मैं देखो इसे दो चार क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। डीयू बाई डीवाई यही है। म्यू क्या है यहां, बोलिए। डायनेमिक फ्लूड विस्कोसिटी वो है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड है म्यू, ठीक है। तो अब ये बताइए कौन सा, किसको ओबे कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलो नवीन। इलास्टिक ग्रेडियंट कौन बच्चा है भाई, बिलास्टिक ग्रेडियंट, सर। ठीक है, बिलास्टिक ग्रेडियंट। यस तो ये पहला होगा। सर। अब इसी में दो चार क्वेश्चन और बनेंगे, देखो कैसे। अब आपको ये फिगर दे देगा, ये फिगर क्लियर हो रहा है? एक ये दे देगा, एक ऐसे दे देगा, एक ये दे देगा, फिर एक यहाँ है, एक ये है, और एक ये रहेगा ऐसे। अब इसमें से कह देगा, ये बताइए रियल फ्लूड कौन सा है? रियल यही होगा, बीच वाला सर। ठीक। न्यूटन न्यूटन लॉ ओबे करेगा, ये देखो एन इक्वल वन होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके पावर एन होता है।
तो जब न्यूटोनियन फ्लूड होगा तो ये आपका फॉलो करेगा और एन इक्वल क्या होगा, वन, ठीक है। दूसरा न्यूटोनियन फ्लूड का एग्जांपल क्या है, आपको चार पांच लिक्विड का नाम दे देगा, तो आप याद रखिए न्यूटोनियन फ्लूड कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए कहीं। वाटर होगा, एल्कोहल होगा, एल्कोहल और क्या होगा, गैसोलीन होगा, एयर। आप ये बोलता हूं ना, स्टैंडर्ड में आपका गैस आएगा, गैस के लिए एयर और लिक्विड के लिए वाटर, और ये क्या होगा, कैरोसिन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड के सर। हाँ, न्यूटोनियन तो ये नोट कर लीजिए, ये सब एग्जाम्पल आपके न्यूटोनियन फ्लूड के हैं, कंफर्म। सर, इसमें जो म्यू है सर, क्या नाम बताएं आप सर, जो म्यू है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, क्योंकि फ्लो हो रहा है ना, लिक्विड फ्लो होगा ना, स्मॉल फोर्स पे भी वो फ्लो होगा, शेप चेंज होगा। आप ये नोट कर लो भाई, अगर आपके यहाँ आवाज हो रही है तो स्पीकर ऑफ कर लो, ये नोट कर लीजिए। फॉर न्यूटोनियम फ्लूड कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अगर आपका न्यूटोनियम फ्लूड है जो एन इक्वल वन को फॉलो करेगा, तो ये डायनेमिक जो है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड वो कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, जिस हर फ्लूड के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये डीयू बाई डीवाई जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये टाउ तो आपका कांस्टेंट है, जो जो म्यू टाउ कह रहा हूं, ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, ये लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ये हर फ्लूड के अलग अलग होता है, कंफर्म है इतना। जी सर, जी एक क्वेश्चन और है, चलिए मैथ में भी बहुत कम नंबर आया है तुम लोगों का, उसमें तो जीरो भी पाए हैं सब, उसमें सीएसआईटी में, यहां नहीं बता पाऊंगा। अच्छा ये बताइए, सरफेस टेंशन अगर कह दिया जाए, सिग्मा इक्वल क्या होता है? अरे भाई, एफ बाई एल होता है, बोलो भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। सब थक गए हैं लग रहा है नंबर देख के, बोलो। सर तो ये बताइए, अगर ये आपका सरफेस टेंशन है, तो अगर इसका डायमेंशन पूछा जाए, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज क्या होगा? एक ऑप्शन दिया है एम एल पे -1, दूसरा दिया है एल स्क्वायर टी -1, तीसरा दिया है एम एल -1 टी -1, और तीसरा दिया है चौथा एम टी -2, क्या होगा जल्दी बताइए। सर, एम टी -2 एम टी, सर, लास्ट वाला सर, लास्ट। ये आपका फोर्स है अपॉन ये लेंथ, ठीक है। तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इक्वल क्या होता है, एफ बराबर एम ए। लो भाई, सर क्या क्या कर रहे हो भाई आप लोग, एम एल क्या हो जाएगा, -2 ठीक है, कितना हो जाएगा एम एल टी पर -2 ना, और ये लेंथ होगा, लेंथ का क्या होता है, चौबीस एल पंद्रह चौथा कैंसिल चौबीस हुआ,
तो आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस या टी, एल से तो कैंसिल हो गया ना, एम टी माइनस टू यही होगा। yes, बोलिए sir. तो जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उससे टिक कर लेंगे सर। ये भी गेट का क्वेश्चन है, सब गेट का है। अरे भाई मैं ऑन कर दे रहा हूँ यार, ये प्रॉब्लम नंबर, ये जहां उंगली रखा हूं पढ़ लो, रुको मैं शेयर ही कर दे रहा हूँ। तो मैकेनिकल का जो पूछा लग रहा है, हाँ हाँ मैकेनिकल का अभी भी नहीं दिखा, समझ गया पढ़ पा रहे हो सर, दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लर है सर। हाँ सर गेट का ही, अरे मालिक गेट का ही है, ये तो दिख रहा होगा। यस सब गेट का ही करा रहा हूँ मैं, तुमको प्रैक्टिस ही तो कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में से कराते हैं। अच्छा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक यूनिट पूछा है। हेलो, आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। बोलो, बोलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल क्या होता है, आपको बताया गया है ये। बोलो, बोलो भाई अफजल बताओ, कहीं ये फार्मूला नहीं। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड म्यू अपॉन पी म्यू अपॉन रो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे डिनोट कर दे रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यही था रो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। अगर मैं पूछूं इसका यूनिट, अगर यूनिट पता चलेगा डायमेंशन तो पता चलेगा, यूनिट बताइए पहले। पूछा गया है आपसे गेट में यूनिट, आपसे इसीलिए मैं बार बार कहता हूं यूनिट लिखा करो। बताइए, अगर किसी को याद नहीं आ रहा, टाउ इक्वल म्यू डीयू बाई डीवाई, यहां से कुछ निकलेगा म्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलेगा, आप सॉल्व करिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है और ये डेंसिटी का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। देखो सर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये तो मैं लिख दिया ना, ये कैसे आया क्लियर है।
ये रेट ऑफ सियर स्ट्रेन है ना इलास्टिक ग्रेडियंट टाइम पे डिपेंड करता है ना, तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ, तुम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल और कराता हूँ। तुम लोग को लग रहा है कि हाँ चले गए, रुके रहिए, देखो एक गेट में क्वेश्चन पूछा था ये, तुम लोग सोच रहे हो डरो नहीं किसी चीज से, गेट में तैयारी करोगे बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है, ये ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन देखो पूछा है, मैं बना रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? जी सर। ये ओवर हैंगिंग बीम है, ये दो नंबर में पूछा था आपसे गेट में, मैं बता दे रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ, 2015 का क्वेश्चन है, ये पॉइंट लोड है, ये आपका 2 मीटर गिवन है और ये 4 मीटर, ये आपका यूडीएल है, कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है आपका ए, ये बी और ये सी, ठीक है। सुनिए ये किस टाइप का बीम है, ओवरहैंगिंग आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने नंबर में है, दो नंबर में पूछा है गेट में, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, ये फिगर दिखा? Yes, sir. वही है, दो नंबर में, ठीक है, लगाइए जल्दी, दो नंबर में पूछा है, तो इसमें जानते हैं ऑब्जेक्ट वो नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया है, आपको फिल करना है, ऐसे बॉक्स बना दिया है, जो भी आंसर आएगा वो लिखना है डेसिमल के 2 डिजिट तक, ठीक है, बताइए कितना आएगा आंसर, ये क्वेश्चन है 2015 का और आप सिविल और मैकेनिकल के हो तो सोम से मिनिमम आपको 10 से 15 नंबर के बीच में आएगा, 100 में बात कर रहा हूं, और ये भी जान लीजिए आपका 100 में 15 आ रहा है और 22 से 25 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 30 नंबर में, तो एक सब्जेक्ट से आप 15 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, और जो बचे आपके 48 सब्जेक्ट हैं उसमें से 47 सब्जेक्ट से आप 15 नंबर स्कोर कर लीजिए, पास हो जाएंगे, तो आप डिसाइड कर लीजिए इस सब्जेक्ट को छोड़ना है कि क्या करना है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं पिछले साल का बता दे रहा हूं रिव्यू कितना आया था, कितने मार्क्स का, 2020 में यहां से 13 नंबर का आया था, मैंने आपको 10 से 15 नंबर के बीच में बोला हूं, 2020 का दूसरा सेट था जो उसमें 14 19 में 13 13 13 तीनों सेट में था 18 में, तो आप डिसाइड कर लीजिए ना कि सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि इसी पे आपका स्ट्रक्चर डिपेंड है, और इसी पे अगर सिविल के हैं और इसी पे आपका इंजीनियर मैकेनिक्स आगे भी चलेगा, तो देख लीजिए आप, डरा नहीं रहा हूं, इस सब्जेक्ट का वेटेज बता रहा हूं आपको, भाई तुम लोग इंडस्ट्री में जाओगे या कंस्ट्रक्शन में सिविल वाले, ये बताओ तुम लोग बीम पे ही तो काम करोगे कि घर वो नहीं बनवाओगे पुल उल, सब शांत हो गए,
क्या हो गया, डरा नहीं रहा हूं भाई। हेलो क्या हुआ अफजल? हेलो यस सर। अरे डरा नहीं रहा हूँ भाई, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को कि सब्जेक्ट का इतना वेटेज है। क्या हुआ नवीन, लग जाएगा वो निमिरकल? सर आयुष निमिरकल लगाओ, आंसर बताओ जल्दी। अभय आंसर बताइए जल्दी। जल्दी आंसर बताइए।